तो अभी हम लोग हैं किटिंग रोड पे एंड मेरे साथ है डी राइडर ब्लॉग भाई बोल क्यों तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ अभी और मुझे सुबह सुबह निकलना था एंड मैं क्यों नहीं निकल पाया ये देखिए। देखा आप लोगों ने बारिश, शिलोंग का वेदर का कोई गारंटी नहीं है। अभी भी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रहा था, 5 मिनट पहले बारिश हो रहा था। देखिए रास्ता भी पूरा गीला है, आप देख ही सकते हो पूरा गीला है। तो 5 मिनट पहले बारिश हो गया, जैसा बारिश हुआ मैं निकल गया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था एंड वीडियोज़ भी बनाने थे। तो वेदर सर्विस सेंटर गया था तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छी चीज़ देखने मिली। आपको देखना है क्या है वो, तो लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको मिलता हूँ। I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me. And I'll be holding my breath, waiting for you to show. तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ किटिंग रोड और अभी हम मिरर्स लगाएंगे एंड एक बालाक्लावा भी ले लूँगा मैं अपने लिए सोच रहा हूँ। और मेरे पीछे दीपेन फ्रॉम दी राइडर ब्लॉग्स, वह उन्होंने अपनी बाइक आज नहीं निकाला तो चलिए वो मेरे साथ आए आज दोनों एक साथ। आज दी राइडर ब्लॉग्स आएंगे मेरे चैनल पर तो ब्लॉग पर बने रहिए। तो बाइक पार्क कर देता हूँ मैं, फिर बात करता हूँ। कहाँ रखी अभी बाइक? तो अभी हम लोग हैं किटिंग रोड पे एंड मेरे साथ है डी राइडर ब्लॉग भाई बोल क्यों शर्म आ रहा है इसको बहुत ज़्यादा और मुझे भी आ रहा है। फर्स्ट टाइम है हम लोग निकले ऐसा बाहर पे। तो और बोल भाई ये थोड़ा भी नहीं है गरीब इंसान बोल चले अभी मेरे से ले लेते हैं, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को एक्शन कैमरा नहीं था, हम लोग को एक्शन कैमरा नहीं था। एक्शन कैमरा क्या बोलते हैं, एक्शन कैमरा मिला तो मिरर्स नहीं मिला। अभी एक साइड तो हम लोगों से एक ऑलरेडी मेरे पास है, बेकार में फोटो खींचे एक दो लेके फ़ायदा है नहीं, एक तो करूँगा क्या मैं। तो बच्चों काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है ना, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है हम लोग को ये चीज़ से। और अभी हम लोग को मिरर नहीं मिल रहा है, मिले तो हम लोग शोरूम जाएंगे एंड शोरूम जाके देखेंगे अगर हम लोग शोरूम जाके देखते हैं। और हाँ ये मेरा चैनल नहीं है, हम किसी जी का ब्लॉग में किसी ब्लॉग का चैनल में। तो अभी शोरूम चलते हैं फिर आपको मिलते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए शोरूम का। एक्सक्यूज मी मिरर से वो क्या RX 200 का? RX 200 का मिरर राइट लेफ्ट साइड का ना, लेफ्ट साइड का
We are making because we are making videos. We have a YouTube channel. तो ये हमें मिल चुका है mirrors, mirrors. तो finally बजाज ने कुछ अच्छा काम कर दिया, तो हमें finally mirrors मिल गया. तो let's see अभी जाके install करते हैं. चलें. तो camera को थोड़ा move का आता क्या रब्बत का दिखा. चल अभी हम आपको मिलते हैं installation. कहाँ करना है वहाँ मिलते हैं. तो unboxing करेंगे. तो let's see इसे unbox करते हैं. मैंने कल भी इसे unboxing नहीं किया. तो let's see. देखिए वेदर पूरा खराब हो चुका है एंड लेट्स इंस्टॉल दिस फिर बात करते हैं. मेरा काम खत्म हो चुका है अभी एंड जैसे कि आप देख सकते हैं टन टन तो मिरर कर चुके हैं और अभी अभी काम होने वाला था एक मेरा नया मिरर का अच्छा स्वागत होता है. वो आप टी राइडर वॉक के चैनल पे देखिए काम भी हो जाता अभी तो फिर उसमें बच गया. बाल बाल किस्मत अच्छा था भगवान का आशीर्वाद है बच गया. तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया. वो मैं घर में जाके शूट करके आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया और मुझे कितने का क्या पड़ा. वो मैं आपको घर में जाके बताता हूँ. तो अगर ये नहीं मैं यहाँ ही बता देता हूँ. मुझे ये मिरर्स पड़ा एक साइड का मेरे पास ऑलरेडी था और एक साइड का मुझे पड़ा 400 रुपीज़ और मैंने 1200 ही परचेज किया जो मुझे पड़ रहा 250 का. तो टोटल 650 और इंस्टॉलेशन चार्जेस हो तो ऐसे ही हम लोग का अतुल गया है वो कर देते हैं अभी तो सेट ना होनी है. तो ठीक है अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे.